डिवाइड होते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं ठीक है लंग के जो टिश्यू हैं उनके अंदर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फ्रॉम ट्यूम एंड फ्रॉम ट्यूमर्स जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और ट्यूमर बना देते हैं द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेट अर्जसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स जो सेलुलर ग्रोथ है लंग कैंसर मतलब कैंसर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं इन्वेट करते हैं इन्वेट मतलब हमला करते हैं खा जाते हैं अर्जसेंट टिश्यू को अर्जसेंट मीन साथ वाले टिशूज़ को बियॉन्ड द लंग जो लंग के साथ टिशूज़ होती हैं उनको भी इन्वेट कर लेते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्प्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड एंड वेट लॉस तो इसके सिम्पटम में क्या आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और इसके अलावा कफिंग कफिंग ऑफ ब्लड मतलब खांसी के साथ ब्लड भी आ रहा हो और इसके अलावा वजन में कमी ठीक है द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस जो सबसे बड़ी वजह है किसी भी कैंसर की वो कार्सिनोजेंस होती है कार्सिनोजेंस एज दोज इन सिगरेट स्मोक मतलब वो केमिकल जो कैंसर कॉज करते हैं हम उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं और ये वो है जो सिगरेट स्मोक में है, आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब वो आयन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो हाई एनर्जी मोलिक्यूल्स या हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड वायरल इन्फेक्शन स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर स्मोकिंग मेन कॉज़ है और नॉन स्मोकिंग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम अच्छा होते हैं कि उनको लंग कैंसर हो सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर फिफ्टी नॉन कार्सिनोजेंस। सिगरेट स्मोक में फिफ्टी केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं राइट पैसिव स्मोकिंग द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोक इज आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन अगर आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है और आप उसके पास बैठे तो आपको भी लंग कैंसर हो सकता है जिसे पैसिव स्मोकर कहते हैं ठीक है द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड कहते हैं वो स्मोक जो बर्निंग एंड से प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है जैसा कि सिगरेट के मीट से जो स्मोक निकलता है बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड फिल्टर एंड जो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ठीक है फिल्टर एंड उससे बहुत कम मतलब इतना डेंजरस नहीं होता उसका स्मोक जितना बर्निंग एंड का होता है ठीक है एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी कॉल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर अगर आप बच बचना चाहते हैं लंग कैंसर से तो क्या करें सबसे पहले टोबैको स्मोक को एलिमिनेट करते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवरटाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्राम टेकिंग अप स्मोकिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट को कह रही है कि आप टोबैको एडवरटाइजिंग टोबैको एडवरटाइजिंग को स्टॉप करें और लोगों को आगाह करें कि जो स्मोक है वो लंग कैंसर की वजह बनता है ठीक है लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ़ कैंसर रिलेटेड डेथ्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली जो आ, सबसे ज़्यादा जो इम, बात हो रही हैं लंग कैंसर की वो ज़्यादातर किसकी वजह से हो रही हैं स्मोक की वजह से या और 1.3 मिलियन डेथ्स जो है वो लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं ठीक है इफ़ आ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर डिग्रीज इज एज डैमेज टू द लंग इज़ रिपेयर एंड कंटामिनेंट पार्टिकल आर ग्रेजुअली रिमूव्ड अगर एक पर्सन स्मोकिंग को स्टॉप करते हैं तो ये क्या होगा जो कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेंस जो थे वो डिक्रीज हो जाएंगे और इसके अलावा जो लंग के टिश्यूज़ थे वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और जो कंटामिनेंट पार्टिकल थे वो भी ग्रेजुअली रिमूव हो जाएंगे मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे ठीक है आपने क्या करना है कि जित आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं ठीक है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपको नोट्स में दिए गए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से याद करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं थैंक यू